Error 403 presents. दुनिया भर में बहुत से शक्तिशाली देश समय समय पर टूटते रहे हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि इस 21वीं शताब्दी में देशों की सीमाएं जैसी बनी हुई हैं, वो भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बहुत सी रिपोर्ट समय समय पर भविष्य में आने वाले बदलावों को बताती रहती हैं। ये बदलाव केवल प्रकृति में नहीं बल्कि देशों की सीमाओं से भी संबंधित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भविष्य में दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जो अगले 100 साल शायद ना देख पाएं, जिनके पीछे बहुत से कारण भी हैं, जिसमें राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जातीय कारण प्रमुख हैं। ये कारण या तो इन देशों को पूरी तरह से तोड़ देंगे या फिर इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। आज हमने जो सूची आपके लिए तैयार करी है, उसमें हम आपको दुनिया के उन देशों के बारे में बताएंगे जो अगले 100 साल शायद ना देख पाएं। हम इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें। पाकिस्तान। आज के समय में दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है, जिसकी जड़ें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन दुनिया सच में आतंकवाद को ख़त्म करने की सोचेगी, उस दिन शायद पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में केवल आतंकवाद ही एक समस्या नहीं है, वहाँ के बलूचिस्तान प्रांत में पिछले 70 साल से आज़ादी को लेकर एक आंदोलन चल रहा है, जिसके कारण वहाँ लाखों लोगों को फौज अब तक मार चुकी है और हजारों लोग अभी भी जेलों में पड़े हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जमीन का 45% से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर वो अलग होता है तो पाकिस्तान आज के हिसाब से केवल आधा ही रह जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान 1971 में भी टूट चुका है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान एक से ज़्यादा टुकड़ों में टूट सकता है और वो छोटे छोटे देशों में बट जाएगा। द नीदरलैंड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिन देशों में कोई पॉलिटिकल या एथनिक प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो आकार में पहले से ही बहुत छोटे हैं, वो ख़त्म नहीं हो सकते। यूरोप के देश नीदरलैंड्स को एक बहुत ही शांतिप्रिय और आर्थिक रूप से मजबूत देश माना जाता है, जिसको पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। पर आज के समय में वो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को झेल रहा है, और अगर समय रहते इसको हल नहीं किया गया तो शायद ये देश पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन नीदरलैंड्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, और जिस तरह से पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये देश जल्द ही समुद्र में समा जाएगा। इस देश का ज़्यादातर हिस्सा समुद्र तल से केवल 1 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसके कारण इसको समुद्र में समाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नीदरलैंड्स ने इस सब से बचने के लिए अपने समुद्री तटों पर चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह दीवार बनाना शुरू कर दिया है, जिससे वो बढ़ते समुद्र स्तर के खतरे से बच सके। बेल्जियम। संयुक्त राष्ट्र का घर बेल्जियम शायद अगले 100 साल में खुद को एक संयुक्त राष्ट्र के रूप में ना रख पाए। बेल्जियम भाषा के हिसाब से 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग 4 देशों का शासन, जिसमें हॉलैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी शामिल हैं। आज के समय में बेल्जियम की अधिकांश जनसंख्या विदेशी लोगों की है, जिसके कारण इस देश की जनसंख्या में विभाजन साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ के 2 सांस्कृतिक समूह फैलेंडर्स और वेलेनॉय बहुत अलग अलग हैं, और दोनों का रहन सहन और भाषाएं भी बहुत अलग हैं। जहां वेलेनॉय जनसंख्या फ्रेंच स्पीकिंग है और वो फ्रांस के साथ एक संघ बनाना चाहती है, या फिर वो अपने लिए एक स्वतंत्र देश की मांग करती है, जबकि फैलेंडर्स जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ अपने लिए एक स्वतंत्र देश चाहती है। कई लोगों का तो यह तक मानना है कि बेल्जियम अगले 20 साल के भीतर ही 2 देशों में बट जाएगा। द यूनाइटेड किंगडम।
शायद आप इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का नाम देखकर जरूर चौंक गए होंगे, पर ये पूरी तरह से सही है कि यूके के लिए अगले 100 साल तो छोड़िए, अगले 20 साल भी एक यूनाइटेड देश की तरह रह पाना बहुत मुश्किल होगा। 2014 में स्कॉटलैंड यूके से अलग होने के लिए अपनी स्वतंत्रता का एक असफल आंदोलन चला चुका है। इस आंदोलन के जरिए वो अपने आप को एक संयुक्त देश बनाना चाहता था जिसमें यूनाइटेड किंगडम का कोई दखल ना हो। इसमें वो पूरी तरह से असफल रहा था, पर शायद 2016 में यूके के यूरोपियन संघ से दूर जाने का फैसला अब स्कॉटलैंड के सपने को पूरा कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ साल यूके के लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे और इसको एक देश की तरह संयुक्त रहना इतना आसान नहीं होगा, और हो सकता है कि वो बहुत से छोटे छोटे देशों में टूट जाए, जिसमें बहुत से देश फिर से यूरोपियन संघ का हिस्सा बन जाएं। अगर ऐसा होता है तो एक देश जिसने पूरी दुनिया के लगभग हर देश में अपना झंडा गाढ़ा, वो शायद अपना झंडा ही ना बचा पाए। मालदीव्स, ये शायद हर उस व्यक्ति के लिए है जो ग्लोबल वार्मिंग को एक वास्तविकता नहीं मानता और उनको ये बस एक मजाक या फिर एक कल्पना मात्र लगता है। ऐसे लोग ग्लोबल वार्मिंग को कोई खतरा नहीं मानते हैं। इस तरह के लोगों को इस छोटे से देश मालदीव की तरफ जरूर देखना चाहिए जो भारत और अफ्रीका के बीच स्थित है। ऐसा माना जाता है अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो ये देश वर्ष 2085 या उससे पहले ही पूरी तरह से समुद्र में समा जाएगा। इसी खतरे को देखते हुए यहाँ के एक पूर्व राष्ट्रपति ने दक्षिणी एशियाई देशों में कुछ जमीन खरीदने के बारे में सोचा है और वो इस पर काम भी कर रहे हैं, जहाँ वो अपने देश के लोगों को बाद में बसा सकें। पूरी दुनिया में मालदीव शायद ग्लोबल वार्मिंग का सबसे पहला शिकार होगा, जिसका असर इस देश पर अभी से दिखने भी लगा है। स्पेन, जब 2008 में आर्थिक संकट ने स्पेन को हिलाया तो ऐसा लगने लगा कि शायद ये स्पेन का एक राष्ट्र के रूप में अंतिम समय चल रहा है। जनवरी 2015 में स्पेन में बेरोजगारी दर 24% से ज़्यादा हो गई थी, जो 2016 में थोड़ी सुधरी, पर ये सुधार स्पेन के लिए काफ़ी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है अगर स्पेन अपनी आर्थिक हालत को नहीं सुधार पाता है तो वो शायद अलग अलग देशों में बट जाएगा, जिसका मुख्य कारण वहाँ की खराब आर्थिक हालत ही होगी। इस आर्थिक मंदी के कारण स्पेन की जनसंख्या में विभाजन भी साफ साफ देखा जा सकता है, जहाँ पश्चिमी स्पेन का कैटलोनिया क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहा है। ऐसा नहीं है कि ये आंदोलन स्पेन की आर्थिक खराब हालत की वजह से शुरू हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें करीब 100 साल पुरानी हैं, पर खराब आर्थिक हालत ने इसमें जैसे नई जान फूंक दी है। अगर जल्द ही स्पेन ने अपनी आर्थिक हालत को नहीं सुधारा तो शायद एक देश के तौर पर ये उसका अंतिम समय चल रहा है। इराक, सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने और उसके बाद उसको फांसी देने के बाद ये तय हो गया कि अब इराक एक देश की तरह एकजुट नहीं रह पाएगा। इस बात से शायद कोई ही मना कर सके कि इराक को एकजुट रखने में जो ताकत सबसे महत्वपूर्ण थी उसका नाम सद्दाम हुसैन था। 9/11 के हमले के बाद इराक लगातार युद्ध को झेल रहा है, जिसके कारण वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो चुका है, पर हालिया समय में इस्लामिक स्टेट के उदय के साथ ये साबित हो गया कि इराक अब बिल्कुल भी एकजुट नहीं रह सकता है और ये एक देश की तरह भी शायद अपना अंतिम समय देख रहा है। मौजूदा समय में इराक तीन हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें शिया, सुन्नी और खुर्द शामिल हैं। ये सभी के सभी गुट एक साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं, जिसके कारण इराक कभी भी तीन हिस्सों में बट सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें
जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।